हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बनाएंगे ये यम्मी सा देखने वाला चिकन चीज़ लज़ानिया। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए हमें थोड़े से कटिंग और चॉपिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसके बाद चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। फिर हम इसमें 1 कप चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट कलर का अनियन यूज़ किया है, आप इसमें कोई भी अनियन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये रेड और ग्रीन लिया है, आप हर कलर के ले सकते हैं या ना हो तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं। और इन सब को अच्छे से मिक्स करके थोड़े हाई फ्लेम पर ही इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। तो ये 300 ग्राम चिकन है, मिन्स है, चिकन मिन्स है, इसे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 2 टीस्पून ये कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर है, और इसके बाद 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, लाल मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही थोड़ा भुनेंगे। और तेज आंच पे भुनने से इसमें से जो पानी निकलेगा वो सूखता जाएगा साथ साथ में, क्योंकि हमें इस मसाले को बहुत गीला नहीं बनाना है। तो अभी मैंने इसमें ये 2 टेबलस्पून केचप डाला और ये नमक डाला है। तो नमक डालने के बाद इस मसाले से और पानी निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी एक ओरिगैनो डाला है 1/4 टीस्पून, और इसे तेज आंच पे अच्छे से पकाएंगे और भूनते जाएंगे, तो जिससे कि ये थोड़ा थिक मसाला तैयार हो। तो अभी ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें लास्ट में ये टमाटो डालेंगे। तो ये चॉप किए हुए टमाटोज हैं, 2 टेबलस्पून ही डाला है मैंने यहाँ पे। बाकी का रखेंगे जब हम लज़ानिया का लेयर सेट करेंगे बेकिंग के लिए, वहाँ पे यूज़ करेंगे। और वैसे भी इस मसाले में मैंने ज़्यादा टमाटर इसीलिए नहीं डाला है कि वो बहुत गीला मसाला ना बन जाए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ना बहुत सूखा है ना बहुत गीला है। तो अब हम लज़ानिया को सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये मसाला ले लिया है एक बाउल में, और ये मोज़रेला चीज़ है 1/2 कप, और ये लज़ानिया शीट्स हैं जो ऐसे पैकेट में मिलते हैं और ये डायरेक्ट बेक हो सकते हैं। तो हम इसे ही यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो या ना मिले तो आप ब्रेड के ऊपर भी इसे सेट कर सकते हैं। और ये मैं स्प्रेडेबल चीज़ है, जो चीज़ क्रीम चीज़ होती है वो है, इसे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप वाइट सॉस बनाकर भी लगा सकते हैं। तो पहले चीज़ लगाया, फिर अपने वो चॉप किए हुए टमाटोज डाले हैं, और फिर उसके ऊपर मैंने लज़ानिया शीट्स रखी हैं 2 पीस, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बंद हो गया था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टमाटर हैं और उसके ऊपर ये शीट्स रखा है, और फिर से ये ऐसे ही लेयर लगाऊंगी ये चीज़ का, क्रीम चीज़ डालेंगे। और अब हम इस पर मसाले डालेंगे। तो फर्स्ट मसाला का लेयर यहाँ पे लगेगा। नीचे टमाटर इसलिए डाला है और चीज़ डाला है ताकि उसी के जूस से हमारा जो लज़ानिया सीज है वो अच्छे से बेक हो जाए, अच्छे से पक जाएगा। जब हम इस मसाले को ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ डाल लें। इसके बाद हम इसमें ये शीट डालेंगे, लज़ानिया शीट, और या ब्रेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेड को ऐसे रख लेंगे, और फिर इस पर ये चीज़ डालेंगे। फिर इस पर ये ब्लैक पेपर पाउडर को थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, या मिक्स हर्ब भी कर सकते हैं, इटालियन मिक्स हर्ब को, और फिर वापस ये मसाला लगाएंगे, अपना चिकन मसाला जो हमने बनाया था। और इसके ऊपर अभी बचे हुए सारे मोज़रेला चीज़ को अच्छे से फैला देंगे। मेरा ये बेकिंग डिश इस रेक्टेंगल शेप में है, और इसमें लज़ानिया शीट इस तरह से ही फिट हुआ। अगर आपके पास अच्छे से फिट हो तो आप चारों तरफ से इसे लगाएं। और अब इसके ऊपर मैं जो मसाले डाल रही हूँ, ये आप अपने पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही डाला है, कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब या ओरिगैनो डाल के
और इसे 190 डिग्री पे 25 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। और अपने ओवन को मैंने पहले से ही 15 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा है। तो ये देखिए कितना अच्छा बेक हो रहा है इसमें। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारा ये लज़ानिया बेक होकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे कट करेंगे। ये अभी बहुत गर्म है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये प्रॉपर एक मील हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ और वेजिटेबल्स हैं। तो इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा सॉफ्ट बना है और इसकी जो लज़ानिया सीट है ये भी कितने अच्छे से पक चुकी है। बिल्कुल सॉफ्ट बना है ये और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। तो ये लज़ानिया बहुत ही अच्छे से सेट भी हुआ है। तो आप इस तरह से इसके पीसेस कट करके और छोटा या बड़ा पोर्शन आप अपने बच्चों को बड़ों को सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।